हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। बच्चों, जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था सोइंग क्या होती है। क्या होती है सोइंग? बीज बोना, अपनी फील्ड में बीज बोना, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे बताते हैं कि ये जो सीड्स है वो गुड क्वालिटी का सीड्स है, इस सीड से इनको यील्ड अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हमने कल पढ़ी थी। अब देखो क्या है सोइंग, टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब क्या क्या टूल्स हैं जो यूज होते हैं सोइंग करने के लिए सीड्स में, ठीक है। अब ये देखो, फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब पहले जो मेथड यूज हुआ करते थे वो बता रहे हैं। क्या होता था, एक वुड की फनल लाइक शेप होती थी ऊपर से, ठीक है, और नीचे से एक वुड का शाफ्ट टाइप लगा रहता था और वो आगे अटैच होता था किससे, बुल से, और पीछे उसमें मैनुअल फोर्स मैन लगे रहते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जैसे जैसे बुल आगे जाता था तो वो उस फनल के अंदर सीड्स डालते थे और वो सीड्स कहाँ जाते थे, नीचे फील्ड में, ठीक है, और इस तरह से सोइंग हुआ करती थी। तो देखो इसमें पॉइंट्स क्या है, शेप लाइक अ फनल, ऊपर किस तरह से शेप थी, फनल लाइक शेप, और उसके अंदर सीड्स डाल देते थे और वो नीचे सॉइल में जाया करते थे। उसके बाद क्या है, सीड्स आर फील्ड, इस तरह से सीड्स फील्ड होते थे। पाइप्स हैविंग शार्प एंडेड, अब जो नीचे इस तरह से पाइप लगे हुए थे जहां से जिस वजह से सोइंग हो रही थी वो बहुत कैसे थे, शार्प एंडेड थे, नुकीले थे, ठीक है। एंड पियर्स इनटू द सॉइल, इस तरह से सॉइल्स के अंदर फिल किए जाते थे, ठीक है। अब है जो अभी मॉडर्न पीरियड है उसके अंदर क्या यूज होने लग गया, सीड ड्रिल, ठीक है। आप लोगों ने भी अब विलेजेस में जाके अगर आप देखोगे तो बहुत मुश्किल से आपको ये ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हुए कोई दिखेगा। सारे क्या यूज करते हैं, सीड ड्रिल्स। इसके अंदर क्या होता है, जो सीड ड्रिल करने वाला होता है वो आगे ट्रैक्टर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो देखो एक बार पॉइंट्स देखो इसके क्या है, द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर की हेल्प से सोइंग होया करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब सीड ड्रिल का यूज करने की वजह से क्या होता था कि जो हम सीड की सोइंग कर रहे हैं वो एकदम इक्वल डिस्टेंस से और इक्वल डेप्थ के हिसाब से एकदम इक्वली सब कुछ काम इक्वल उसमें चलता था और उस तरह से सोइंग होती थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, और सीड्स क्या हो जाते थे, अपने आप ही कवर्ड हो जाते थे, गेट कवर्ड सॉइल आफ्टर सोइंग, सोइंग होने के बाद, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये तो है ट्रेडिशनल मेथड जो हमने बताया, जिसके अंदर बुल्स का भी यूज होता है, मैन भी, लेबर भी लगती है इसके अंदर, ठीक है। और ये है सीड ड्रिल, जिसके अंदर एक पर्सन भी ट्रैक्टर का यूज करते हुए सोइंग कर सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं तो क्या, पहले बहुत ज्यादा लेबर यूज होती थी, ठीक है, टाइम हमारा ज्यादा लगता था, और सीड ड्रिल्स के अंदर क्या होता है, सीड ड्रिल्स के अंदर हमारा टाइम बच जाता है, लेबर कम लगती है। उसके अलावा भी एक और इसका एडवांटेज है, वो ये है कि जब ट्रेडिशनल मेथड से जब सोइंग होती थी तो क्या होता था, जो सीड्स है कोई तो हमारी जो सॉइल है उसके ऊपर ही रह जाता, कोई थोड़ा सा नीचे डेप्थ में जाता, कोई फिर थोड़ा सा ऊपर, मतलब वो चीज़ डिस्टेंस मतलब इक्वल डेप्थ में नहीं जाते थे सीड। लेकिन सीड ड्रिल से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, सब कुछ इक्वली होता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जो ये बर्ड्स होते हैं, अगर कोई सीड्स ऊपर रह जाता था तो बर्ड्स आए और उनको पिक करके ले जाते थे, लेकिन सीड ड्रिल से क्या फायदा हुआ कि वो अच्छे से डेप्थ में जाते हैं, जिससे जो सीड्स है बर्ड्स नहीं लेके जाते, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सोइंग के अंदर टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स, ट्रेडिशनल मेथड और सीड ड्रिल, ठीक है। तो देखो हमने अभी तक सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या पढ़ा, कि सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल, फिर उसके बाद सोइंग। अब थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब क्या होगा, सोइंग के बाद फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करना होता है। अब ये देखो बच्चों, फर्टिलाइजर क्या होते हैं और मैन्योर क्या होते हैं। फर्टिलाइजर होते हैं हमारी ऑर्गेनिक खाद, जो खाद अपने आप ही किसके अंदर, सॉइल में होती है, और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जो हम एक्सटर्नली हमारी फील्ड में डालते हैं, ठीक है।
तो अब इसके एक बार आप डिफरेंस देख लो क्या है. अ फर्टिलाइजर इज अ इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस. अब ये क्या कह रहा है, जो मैन्योर है वो क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है. ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है. देखो सबसे पहले मैन्योर होते कैसे हैं, हमें ये जानना चाहिए कि मैन्योर कैसे बनते हैं, फर्टिलाइजर कैसे बनते हैं. ठीक है, मैन्योर कैसे बनते हैं, जो भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डेड हो जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है. उनका अटैक होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं और हमारी सॉइल में किसका काम करते हैं, मैन्योर का काम करते हैं. ठीक है, इस तरह से मैन्योर डेवलप होता है, इस तरह से मैन्योर बनता है. उसके बाद है फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर कैसे बनता है, फर्टिलाइजर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, ठीक है, वहां पर उसे मैन्युअली बनाया जाता है. ठीक है, और जो फर्टिलाइजर है वो एक पर्टिकुलर एक चीज की डेफिशिएंसी के लिए बनाया जाता है. जैसे फील्ड के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, वहां पर नाइट्रोजन नहीं है, तो एक पर्टिकुलर ही फर्टिलाइजर है, उसी का यूज कर हम वहां की नाइट्रोजन को सॉइल में बढ़ा सकते हैं. ठीक है, और मैन्योर में ऐसा नहीं है. मैन्योर कोई एक पर्टिकुलर चीज में रिच नहीं होता, फर्टिलाइजर हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजर क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है. ठीक है ना, तो वो एक ही पर्टिकुलर चीज में रिच हो सकता है, या तो नाइट्रोजन का हो, या फॉस्फोरस का हो, सोडियम का हो, इस तरह से. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो ये तो पता चल गया आपको इनऑर्गेनिक क्यों है और ये कैसा है, ऑर्गेनिक है. ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंक एंड प्लांट रेजिड्यू. प्लांट का वही बचने वाला रेजिड्यू और कैटल डंक से भी, या कैटल जो भी कोई भी एनिमल्स है वो डेड हो जाते हैं, डेड डिके, तो उनके डिकम्पोजिशन से भी बनता है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. देखो अभी मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बनता है फर्टिलाइजर. ठीक है, और सेकंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, और मैन्योर अपने आप ही फील्ड में ही बनता है. ठीक है, थर्ड है फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. जो फर्टिलाइजर है वो ह्यूमस नहीं बढ़ाता सॉइल की. ठीक है, और मैन्योर क्या करता है, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जो फर्टिलाइजर है वो बहुत ही एक ही चीज के अंदर क्या होता है, रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने में, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट देने में रिच होता है. लेकिन मैन्योर इज रिलेटिव लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. और अब जो हमारा मैन्योर है वो एक पर्टिकुलर चीज में रिच नहीं होता. ठीक है, तो आई होप आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा. आगे के टॉपिक हम कल करेंगे. थैंक यू.